सेंसिटिविटी का मीनिंग ये है कि एक पैरामीटर की वैल्यूज कितनी चेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल या जो भी एक्सप्रेशन है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी चेंज होती है। और हमारे केस में हम नॉर्मली सेंसिटिविटी चेक करते हैं रिप्रोडक्शन नंबर की और एंडेमिक लेवल की, इन्फेक्टेड क्लासेस की एंडेमिक लेवल की। और जिस पैरामीटर के अकॉर्डिंग और किसी पैरामीटर को चेंज करने से अगर रिप्रोडक्शन नंबर में बहुत चेंज आ रही हो तो फिर हम कहते हैं कि ये मोस्ट सेंसिटिव पैरामीटर है फॉर द रिप्रोडक्शन नंबर। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन नंबर को डिक्रीज करने के लिए उस पैरामीटर पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है प्रैक्टिकली। इसी तरह अगर हम रिप्रोडक्शन नंबर को लेस देन 1 ना बना सकें तो फिर सेकेंड हम एंडेमिक लेवल को चेक करते हैं कि एंडेमिक लेवल किस पैरामीटर से ज़्यादा चेंज हो रहा है। और जिस पैरामीटर से एंडेमिक लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पैरामीटर एंडेमिक लेवल के लिए। तो फिर हम उस पैरामीटर पे फोकस करते हैं कंट्रोल पॉलिसी डिज़ाइन करते हुए।